हेलो एवरीवन, दिस इज निलेश. सो वेलकम टू मैवरिक्स. सो इन दिस सो इस वीडियो में हम TCS का नेक्स्ट चैप्टर, ओके, सो चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एंड लैंग्वेजेस. सो ये पार्ट 1 वीडियो है. इस वीडियो की भी कुछ 5-6 वीडियोस बन जाएंगे, तो एक वीडियो में हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, स्मॉल काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस, ग्रामर को लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके. तो सबसे पहले व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है. सो ग्रामर इज अ सेट ऑफ अ रूल बाय विच द वैलिड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेजेस आर कंस्ट्रक्टेड. हमें ऑलरेडी मालूम है कि ग्रामर क्या होता है, कि जब भी हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, जो भी हम बोलने के लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ टेंस होते हैं, कि लाइक प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट. तो कि किस तरीके से बोलना चाहिए, कि फ्यूचर में कैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, करंट का कैसे बनेगा, पास्ट का कैसे बनेगा, तो वो कुछ रूल होते हैं, जो रूल यूज करके एक लैंग्वेज बनती है. वैसे ही ग्रामर भी है ना, वो भी एक रूल होता है, वो रूल यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो वो हम इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. सो दैट सेट ऑफ रूल्स विच कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द सेट ऑफ वैलिड सेंटेंसेस यूज टू चेक वेदर द सेंटेंसेस आर वैलिड और नॉट, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं, देखेंगे धीरे धीरे. सो वॉट इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विच इज कॉल्ड एज अ CFG. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम को आती है ये. सो ग्रामर जो है ना, वो सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन किया जाता है कि उसके 4 टपल्स होते हैं, G=VTPS. समटाइम कभी कभी ये ऐसा भी लिखा जाता है V summation PS, तो चलता है, समेशन की जगह पे आप P भी यूज कर सकते हो. अभी हर एक सिंबल का यूज आप देख सकते हो, कि V का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनल का सेट. अभी नॉन टर्मिनल में सारी चीजें जो आएंगी ना, वो सब कैपिटल सिंबल आएंगे. टर्मिनल जो होता है वो होता है सिंबल का सेट, लेटर का स्पेस सेट, अल्फाबेट का सेट, तो वो सेट होता है टर्मिनल्स का, उसको टर्मिनल बोलते हैं. और नॉन टर्मिनल और टर्मिनल को मिला के एक प्रोडक्शन फॉर्म किया जाता है, कुछ ग्रामेटिकल प्रोडक्शन क्रिएट किया जाता है, कि जो लेफ्ट हैंड साइड टेंड्स टू राइट हैंड साइड, इस फॉर्म में कुछ प्रोडक्शंस होते हैं, उसको हम P बोलते हैं, ओके. सो वेयर A इज बिलोंग्स टू V एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू V यूनियन समेशन. इसका मतलब A जो है ना, वो बिलोंग्स टू V करेगा, V मतलब नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल रहेगा, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल, इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है. तो इस फॉर्म में ग्रामर होगा. और S जो होता है वो स्टार्टिंग सिंबल होता है, जो भी आपने ग्रामर लिखा है उस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल, विच इज कॉल्ड एज अ S. सो दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. अगर एग्जाम को आती है तो आप ये लिख सकते हो. उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, विच इज कॉल्ड एज CFL. तो ग्रामर जो बनेगा ना, जो ग्रामर के आप एक्सप्लोर करके जो भी लैंग्वेज लिखो कि कर्ली ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. जैसे हमने लास्ट सेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज देखे थे, एक्सप्रेशन से लैंग्वेज बनाना, सेट बनाना, वैसे ग्रामर से भी हम लैंग्वेज बना सकते हैं. आगे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, आपको थोड़ा और समझ में आएगा. सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG, विच इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल विच इज कॉल्ड एज अ CFL, ओके. सो इसमें भी अलग अलग छोटे छोटे डेफिनेशन से सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस मतलब जो ग्रामर आपने बनाया है उसकी जो स्ट्रिंग है उसको सेंटेंस बोला जाता है, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, टर्मिनल का कॉम्बिनेशन करके एक स्ट्रिंग बना, उसको सेंटेंस बोला जाता है. अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की. तो मैं आपको कैनवास में लेके जाता हूँ और हम दो छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रामर और CFG और CFL के. तो एग्जाम्पल 1, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक प्रोडक्शन रूल लिखता हूं, ठीक है, कि लाइक
e टेंड्स टू e प्लस e, ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हो बट अलग अलग लिखा तो भी चलेगा। अभी ये क्या है मैं समझाऊंगा, आप पहले देखो ठीक बाय स्टेप बाय स्टेप। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट e, देन id, तो इसको हम प्रोडक्शन रूल बोलते हैं ठीक है। तो अगर इसका मैं अगर ग्रामर लिखूं g इक्वल टू VTPS, तो उसमें V मतलब होता है सारे कैपिटल लेटर, तो इसमें कितने सारे कैपिटल लेटर है, एक ही है कैपिटल ही। T मतलब होता है सिंबल, स्मॉल स्मॉल लेटर्स जो भी है, तो इसमें मैंने प्लस यूज किया, स्टार यूज किया, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, आईडी है, एक ही है आइडेंटिफायर, उसको आईडी बोलते हैं, आई और डी डिफरेंट नहीं है, आईडी एक ही है, तो आईडी। सो मैंने सबको सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा डाला है, तो ये टर्मिनल हो गया ठीक है। प्रोडक्शन रूल पी में, आप पी में ये आएगा सब कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये नीचे भी फिर से लिख सकते हो। और स्टार्ट सिंबल में सॉरी, इसमें स्टार्ट सिंबल क्या है आपका ई, मतलब शुरू कहाँ से किया, यहाँ से किया, ई से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल लिखना है ई। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ग्रामर का, ग्रामर इस तरीके से होता है। अभी हम इस ग्रामर से क्या करेंगे, कुछ स्ट्रिंग्स बनाएंगे, कुछ लैंग्वेज बनाएंगे ठीक है। तो ई से देखो, ये चारों भी ई से स्टार्ट है, आप कोई भी चारों में से ले सकते हो। तो मैं ई से डायरेक्ट आईडी भी ले सकता हूँ राइट। यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ एल, तो एल में आपको आईडी भी मिलेगा, सिर्फ आईडी, यहाँ पे डिराइव हुआ है ना ई टेंस टू आईडी। अगर मैं ये वाला लूँ, ये वाला ठीक है, E tends to क्या लिखा है उसमें, opening E and closing, ये मैंने यूज किया और इस E को मैंने आईडी डाल दिया, तो मेरा अभी क्या हो गया opening ID closing, opening ID closing। L में ना कभी नॉन टर्मिनल नहीं पुट करने का, सारे टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें टर्मिनल डाल के कुछ स्ट्रिंग बनानी है। अभी मैं ये डालता हूँ E tends to E star E, इस ई में मैं आईडी डालता हूं, इस ई में भी मैं आईडी डालता हूं, तो मेरा क्या हो गया ये आईडी स्टार आईडी राइट। स्ट्रिंग क्या बन गई, आईडी स्टार आईडी। अभी हम इसमें जाएंगे, इसमें भी अभी क्या है, यहां पे ई टेंड्स टू ई प्लस ई, इसमें भी आईडी जाएगा, इसमें भी आईडी जाएगा, तो ये क्या बनेगा आईडी प्लस आईडी ये। तो अभी ये आप रिपीट भी कर सकते हो, अभी ये मैंने एक एक में ऐसे लिखा। रिपीट मतलब क्या है कि जैसे कि ई के अंदर मैंने ओपनिंग ई क्लोजिंग डाल दिया और इसमें मैंने डाल दिया ई प्लस ई, और इधर डाल दिया आईडी, इधर डाल दिया आईडी, तो क्या हो गया ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आईडी प्लस आईडी, सेम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आईडी स्टार आईडी राइट। देन आप ऐसे भी कर सकते हो, ई के अंदर ई प्लस ई डाल दिया, ई प्लस ई, किसी भी इस ई के अंदर आपने ई स्टार ई डाल दिया, हो सकता है इसमें भी आप ई स्टार ई, अगेन ई प्लस ई भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। इसमें मैंने आईडी डाला, आईडी 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 आईडी, तो ये क्या हो गया आईडी प्लस आईडी, इसमें मैंने आईडी आईडी डाल दिया ये प्लस, और इसमें आईडी स्टार आईडी। तो इस तरीके से आप अलग 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 ये सेंटेंसेस बनाओ। तो ये हो गया L, इसको बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और ये जो है मैंने पूरा लिखा है VTPS, ये वाला, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये तो मैंने जस्ट रफ में वर्क किया है आपको समझाने के लिए, लैंग्वेज बनाने के लिए, ये जस्ट मैंने ग्रामर आपको समझाने के लिए लिया है। ये कहाँ से आया, क्या आया, वो हम बाद में देखेंगे और भी एक्सप्लोर करके, बट दिस इज अ सिंपल ग्रामर ओके। और एक एग्जाम्पल देखते हैं जिस ग्रामर से हम फिर से लैंग्वेज बनाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्शन रूल है, मैं डायरेक्टली G इक्वल टू VTPS में ही लिखता हूं, VTPS। तो अभी मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन रूल लिखता हूं कि लाइक S टेंड्स टू AB, A और B कैपिटल है, A टेंड्स टू स्मॉल A कैपिटल A, यहां पे स्मॉल A, B में B B और यहाँ पे स्मॉल B।
स्मॉल लेटर टर्मिनल कहा जाता है, कैपिटल को नॉन टर्मिनल कहा जाता है। तो वी में आपके आएंगे एस ए बी, टर्मिनल में यहाँ पे आएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी, और स्टार्टिंग सिंबल में एस ही आएगा। यहाँ पे हमारा ग्रामर एस से स्टार्ट हुआ है तो यस आएगा। तो अभी हम इसका एल लिखेंगे, ठीक है। तो एल लिखने के लिए मैंने अभी जो किया था ना वैसे ही हम करेंगे। ये जो है ना ऑप्शन मैंने डाला है बीच में, तो ये जो डाला है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ए इक्वल टू ए ए और ए इक्वल टू ए, इसके दो है। तो दो बार लिखने से आप यहाँ पे बीच में अल्टरनेटिव दे सकते हो कि ये और ये, एक तो ये जाएगा नहीं तो ये जाएगा, कोई भी एक चूज हो सकता है। तो दिस इज द अल्टरनेट, ठीक है। तो डायरेक्ट ए टेंस टू स्मॉल ए भी होगा, ए बी ओके। अभी ये हमेशा स्टार्ट जो होगा ना वो एस से होगा, आपको हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट करना है। लास्ट के एग्जाम्पल में चारों भी ई से स्टार्ट कर रहे थे, तो हम चारों में से कोई भी ले सकते थे, बट यहाँ पे आपका तीनों सिंबल अलग है, आप कोई भी नहीं ले सकते, आपको हमेशा शुरू करना है एस से। तो एस में आएगा ए बी, ठीक है। देन आप ए में डाल सकते हो डायरेक्टली ए, और डायरेक्टली बी बी में डाल सकते हो। तो इसमें मेरी सबसे स्मॉल स्ट्रिंग हो गई ए बी, ठीक है। हम और एक्सप्लोर करेंगे सेम ए बी, इस ए को डालूंगा मैं ए ए, बी को डालूंगा बी बी, इसमें जाएगा स्मॉल ए, इसमें जाएगा स्मॉल बी, तो क्या आएगा ए ए बी बी। तो ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। ऐसे आप कर सकते हो और भी, ए बी, ए में डायरेक्ट स्मॉल ए डालो, इसमें बी बी डालो और इसमें बी डालो, तो ये ए बी बी हो गया। ऐसा आप उल्टा भी कर सकते हो कि एस में ए बी करो, इसमें ए ए डाल दिया मैंने पहला वाला ये, और इसमें डायरेक्ट स्मॉल बी डाल दिया ये वाला, तो अब ये हो गया, इसमें हम ए डालेंगे ए ए बी, ठीक है। और भी एक्सप्लोर करो आपको करना है तो, इसमें ए बी, इसमें फिर से करो ए ए, फिर से करो ए ए, फिर से करो ए ए, आपको जितना करना है उतना आप कर सकते हो। इसको करो बी बी, और भी करना है करो बी बी, इसमें डाल दो बी, तो इस हिसाब से ए ए ए ए, तो ये आप एल इस तरीके से लिख सकते हो। सो दिस, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और ये जो मैंने जो ट्री निकाला है ना, वो सिर्फ आपको समझने के लिए कि ग्रामर से लैंग्वेज की सिंबल कैसे बनाए। तो ये रफ है पूरा वर्क, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम आगे और एग्जांपल देखेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल नहीं, और कुछ डेफिनेशन है वो देखने वाले हैं। तो मैं आगे में जाता हूँ पीपीटी में। सो सम डेफिनेशन, तो पहले डेफिनेशन ये है नेक्स्ट कि डेरिवेशन किसे बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेरिवेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द सेंटेंस। ग्रामर से सेंटेंस जनरेट होने की जो प्रोसेस होती है उसको डेरिवेशन बोलते हैं, जैसे अभी हमने किया ना वैसे ही। बट एवरी टाइम ऐसे ग्राफ निकाल के ही करना है ऐसा कुछ नहीं। अभी हमने ये ग्राफ निकाल के किया ना, ये जो था ये छोटा छोटा ग्राफ ही था। इसको इसको है ना एक प्रकार सिंटैक्स ट्री भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंटैक्स ट्री, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द सेंटेंस इज कॉल्ड एज अ डेरिवेशन। सो डेरिवेशन के दो टाइप्स है, फर्स्ट है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट है राइट मोस्ट डेरिवेशन। अगर आप लेफ्ट टू राइट इस सीक्वेंस में अगर आप नॉन टर्मिनल को टर्मिनल से रिप्लेस करते जा रहे हो तो उसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बोलेंगे। और यही चीज़ अगर हम राइट से लेफ्ट में अगर रिप्लेस करते जाएंगे तो उसको हम राइट मोस्ट डेरिवेशन बोलेंगे। तो उसका बेस्ट हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट का। तो चलो मैं एक शीट बनाता हूँ, ओपन करता हूँ। हमने अभी दो ग्रामर देखे थे, राइट। मैं यहाँ पे ग्रामर लिखता हूँ आपको। अगर ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपको ग्रामर और स्ट्रिंग दोनों दिए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रामर बना लेता हूँ ई प्लस ई। आप ऐसे अल्टरनेट करके भी लिख सकते हो क्योंकि वो ई से ही डिराइव हो रहा है। और आई डी,
और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ कि आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो इसमें हमें लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट दोनों भी देखने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होता है, और यहाँ को हम राइट मोस्ट में भी देखेंगे कि राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होता है। सो मैं ये स्ट्रिंग लिखता हूँ आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ओके, आई थिंक हमें डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं लिखना है, हमें ये स्टार्ट करना है स्टार्टिंग सिंबल से। तो हमारा स्टार्टिंग सिंबल क्या है? ई। तो हमें ई से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ई, तो ई में मुझे आईडी प्लस आईडी ये आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम ई को रिप्लेस करेंगे ई प्लस ई से, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ई इज रिप्लेस बाय ई प्लस ई। आप यहां पे लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। सो अप्लाई अप्लाई ई टेंस टू ई प्लस ई। तो E को E प्लस E से मैंने अप्लाई कर दिया, तो इस E को रिप्लेस कर दिया E प्लस E से। अभी मैंने बोला लेफ्ट मोस्ट करना है, लेफ्ट मोस्ट मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट टू राइट इस सीक्वेंस के हिसाब से पहला नॉन टर्मिनल आपको लेफ्ट साइड का ये आएगा। जो मैं नीचे जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, वो आपको समझने के लिए, तो लेफ्ट टू राइट करूंगा मैं। अभी पहले ई, तो मुझे आईडी प्लस आईडी ये आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो इसमें मैं ई को डायरेक्टली आईडी से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लस है। तो यहाँ पे मैं आईडी करूंगा, उसके बाद ई। तो मैंने अप्लाई क्या किया, यहाँ पे ई टेंड्स टू आईडी ये अप्लाई किया, राइट। तो अभी आईडी प्लस ये दोनों तो टर्मिनल है, तो लेफ्ट टू राइट के हिसाब से पहला नॉन टर्मिनल अभी ये आएगा, कोई बचा ही नहीं। अभी मुझे स्टार चाहिए ना, तो हमें उसमें अप्लाई करेंगे E tends to E star E। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे E को रिप्लेस किया E star E से, इससे। अभी लेफ्ट टू राइट में ये आएगा। नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करते जाना है, टर्मिनल को नहीं, नॉन टर्मिनल मतलब कैपिटल सिंबल। अभी इसको हम अप्लाई करेंगे E tends to ID के साथ, तो ये क्या आएगा, ID प्लस इधर ID आएगा star E। अभी हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, सो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो हमारी ये स्ट्रिंग आ गई। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सो ये रिप्लेस होता जाएगा बाय लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे राइट मोस्ट करेंगे। मैं फिर से स्टार्ट करूँगा ई से, अभी एक ही है ना, एक ही है, तो एक ही है, तो आप डायरेक्टली रिप्लेस करना शुरू कर सकते हो। तो ई को मैंने, आप E प्लस ई भी डाल सकते हो, E स्टार ई भी डाल सकते हो, तो आप कुछ भी डाल दो, मैंने E प्लस ई डाल दिया। तो अभी हमें राइट टू लेफ्ट आना है, तो राइट में सबसे पहले ये राइट साइड से, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं E को E प्लस ई से रिप्लेस किया इस लाइन में। इसमें हमें क्या करना है, इस राइट साइड ई को ई स्टार ई से रिप्लेस करना है, ठीक है। सो E प्लस इस E को रिप्लेस करूंगा मैं E स्टार E से, क्योंकि मुझे ये स्ट्रिंग लाना है ना, तो उस हिसाब से हम रिप्लेस करते जाएंगे। अभी राइट टू लेफ्ट में ये आएगा पहले, तो अभी हम सब सारे E को ID के साथ रिप्लेस करेंगे, तो E टेंड्स टू ID, इधर ID आएगा, अभी ये राइट टू लेफ्ट सेम अप्लाई करेंगे E टेंड्स टू ID, और इधर का भी हम अप्लाई करेंगे E tends to ID। तो ये स्ट्रिंग आ गई, देखो दोनों भी स्ट्रिंग आ गई, बट दोनों का जो प्रोसेस है ना डेरिवेशन का, वो अलग अलग है। ये लेफ्ट टू राइट में किया, ये राइट टू लेफ्ट में किया, ओके। तो इस तरीके से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लेफ्ट मोस्ट और इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन बोलेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं दूसरा ग्रामर का, जो हमने ऑलरेडी पहले देखा था।
तो मैं यहाँ पे ग्रामर लिखता हूँ जो ऑलरेडी ग्रामर हमने बनाया है लास्ट टाइम देखा था. यस टेंस टू ए बी, देन मैंने लिखा था ए टेंस टू ए ए ए एंड बी टेंस टू बी बी बी. और इसमें हम स्ट्रिंग लेंगे डब्ल्यू में, छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं डबल ए डबल बी. तो उसको भी हम लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट से डिवाइड डेरिवेशन करेंगे. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन तो स्टार्टिंग सिंबल एस से शुरू करना है. तो अभी मुझे चाहिए डबल ए डबल बी. तो हम ए को पहले ए बी एस क्या है एस को रिप्लेस करेंगे ए बी के साथ. तो एस को रिप्लेस किया ए बी. अभी लेफ्ट टू राइट जाना है तो लेफ्ट में सबसे पहले ए आएगा. तो ए को रिप्लेस करेंगे ए ए के साथ क्योंकि मुझे और एक ए चाहिए डबल ए चाहिए. तो ए ए ए को रिप्लेस किया. अभी फिर से लेफ्ट टू राइट में फिर से मेरा ए आ गया. इस ए को मैं स्मॉल ए के साथ रिप्लेस करूंगा क्योंकि अभी मुझे दो ही ए चाहिए. बी आ गया. बी को मैं रिप्लेस करूंगा बी बी के साथ. राइट इधर देखो ये वो ऊपर के ग्रामर यूज कर रहा हूं मैं सिंबल ये वाले. तो सेम अभी लास्ट वाला जो बी है ये वाला उसको मैं बी से रिप्लेस करूंगा. तो उस तरीके से ये आ गया डबल ए डबल बी. सेम राइट मोस्ट से जाएंगे. यस को मैंने किया ए बी. सेम यस को रिप्लेस किया ए बी के साथ. अभी राइट टू लेफ्ट जाना है तो सबसे पहले बी आएगा. तो बी में मैं लिख दूंगा बी बी. तो बी को रिप्लेस किया बी बी के साथ. फिर से राइट टू लेफ्ट में ये आएगा पहले तो उसको डाल दूंगा मैं बी. अभी दोनों टर्मिनल है तो राइट टू लेफ्ट में ये आएगा. इसको रिप्लेस करूंगा मैं ए ए के साथ. और फिर से इसको रिप्लेस करूंगा मैं ए के साथ. तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग बनाई बाय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बाय राइट मोस्ट डेरिवेशन. ठीक है. तो ऐसा एग्जाम्पल पेपर में आ सकता है कि आपको ग्रामर दिया होगा एक दो मार्क के लिए आएगा. ये ग्रामर दिया होगा स्ट्रिंग दी होगी और आपको बोलेंगे इसको लेफ्ट मोस्ट करो राइट मोस्ट करो. तो आई थिंक आपको अभी आइडिया मिल गई कैसे करना है. ओके चलो आगे जाते हैं. सो नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है. नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि सिंटैक्स ट्री पार्स ट्री और डेरिवेशन ट्री क्या होता है. तो मैंने आई थिंक आपको ग्रामर से जब मैंने लैंग्वेज बनाई थी तब मैंने जो आपको ट्री जो बना के दिखाया था ना उसी ट्री को सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री बोलते हैं. कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको सिंटैक्स ट्री बोलते हैं. तो अगर आपने दो सिंटैक्स ट्री निकाले जैसे कि लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट और दोनों अगर सेम नहीं आए विच इज़ नॉट इक्वल तो उस ग्रामर को एम्बिगियस ग्रामर बोला जाता है. तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम को आता है कि ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर है कि नहीं. तो हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन में जो ग्रामर दिया है जो स्ट्रिंग दी है उसके हमें लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट के हिसाब से दो अलग अलग ट्री निकालने हैं. अगर ट्री मिल गया अलग वो सेम नहीं है तो वो ग्रामर को हम एम्बिगियस ग्रामर बोलेंगे. डिफरेंट दिखने चाहिए. तो चलो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एम्बिगियस ग्रामर के. ठीक है. तो एम्बिगियस ग्रामर में आई थिंक हमने लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन किया था राइट. तो मैं क्या करता हूँ अभी जो मैंने ये जो किया था ना इसी के हम थोड़ी ट्री निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो अभी ट्री के लिए जगह कहाँ पे तैयार कहाँ पे जनरेट करे. चलो ठीक है. मैं इसकी है ना इसको सेव करता हूँ और नए शीट में कर लेंगे. ठीक है. इसको मैं करता हूँ सेव एज इमेज. ओपन करेंगे. और न्यू ड्राइंग बनाएंगे. हाँ ऐसा सोचो कि पेपर में आपको एग्जाम पेपर में आपको ये ग्रामर दिया है ये स्ट्रिंग दी है और चेक करने के लिए बोला है कि ये एम्बिगियस है कि नहीं. तो एम्बिगियस के लिए मैंने ऑलरेडी बोला है आपको लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट का आपको क्या करना है. इस जो सीक्वेंस में मैंने पहले स्प्लिट करना है ऐसे लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट में और इस हिसाब से आपको ट्री ट्री डायग्राम निकालनी. तो यहाँ पे मैं ट्री निकाल दूंगा लेफ्ट मोस्ट का
और यहाँ पे ट्री निकाल दूंगा मैं राइट मोस्ट का, और देन चेक करेंगे कि दोनों ट्री सेम दिख रहे कि डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है, एम्बिगस के लिए। तो चलो यहाँ पे लिख करेंगे हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, और यहाँ पे राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो लेफ्ट मोस्ट को हमने ई से स्टार्ट किया था ना, तो हम यहाँ पे ट्री निकाल देंगे। ई को ई प्लस ई किया, तो आप डायरेक्टली ऐसे करो ई प्लस ई, देन इस ई को आईडी किया, राइट, देन इस ई को मैंने कर दिया ई स्टार ई, ओके, इसको भी मैंने कर दिया आईडी और इसको भी कर दिया आईडी। अभी राइट मोस्ट करूंगा मैं, बट सोचो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि हम ई प्लस ई को भी रिप्लेस कर सकते हैं और ई स्टार ई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से हमें ये मिल जाएगा। तो दोनों तरीके राइट मोस्ट में आप यूज कर सकते हो स्प्लिटिंग के लिए, राइट टू लेफ्ट करने के लिए। तो अगर मैंने उस हिसाब से यहाँ पे ई को, अगर अभी ठीक है आप अभी ये हमने सॉल्व किया था, बट ऐसा सोचो कि हमने यहाँ पे स्टार डाल दिया पहले, इधर ही ई को ई स्टार ई कर दिया, ई स्टार ई कर दिया, ओके, राइट टू लेफ्ट के हिसाब से इसको मैंने आईडी किया और इसको मैंने ई प्लस ई किया, और इधर आईडी डाल दिया, इधर आईडी डाल, तो भी देखो क्या होता है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी आ रहा है ना, इधर भी देखो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो इसका मतलब दोनों में भी आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी आ रहे हैं, बट दोनों के ट्री डिफरेंट है। सो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों के ट्री अगर डिफरेंट जनरेट होते हैं, तो इस ग्रामर को हम बोलते हैं कि एम्बीजी, एम्बिगियस ग्रामर। सो ये ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर है, दोनों के सेपरेट ट्री जनरेट होने चाहिए। अगर आपने सेम निकाला बट डिफरेंट की पॉसिबिलिटी है तो डिफरेंट निकाल, अगर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि डिफरेंट ट्री आ जाए बट नहीं आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे नॉट एम्बिगियस। बट आने की पॉसिबिलिटी है ना, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो भी आ रहा है ना आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, बट ट्री तो डिफरेंट है दोनों का। तो कोशिश करनी है कि ट्री डिफरेंट आए, थोड़ा सोचना है उसके बारे में। अगर आता है तो फटाक से निकाल के बताना है कि ये ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर है, क्योंकि दोनों के ट्री डिफरेंट आ रहे हैं, ओके। चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एम्बिगियस का। मैं यहाँ पे एक ग्रामर डिफाइन करता हूं, सो जैसे कि एस टेंड्स टू एस, और ये स्मॉल ए को भी है उसका, देन ए टेंड्स टू एस बी ए और एस एस और बी ए, तो ऐसा कोई ग्रामर है और ये चेक करना है एम्बिगियस है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के हिसाब से यहाँ पे मैं यस को कोई भी आप स्ट्रिंग ले सकते हो, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ली, कभी कभी एग्जाम में एम्बिगियस चेक करने के लिए स्ट्रिंग नहीं दी जाती, कभी कभी दी जाती है, कभी कभी नहीं दी जाती, और नहीं दी जाती तो आपको इससे स्ट्रिंग बनाना है, एल बनाना है, मैंने आपको सिखाया है एल कैसे बनाना है, उसमें से थोड़ी सी बड़ी वाली स्ट्रिंग ले लो। मैं अभी इसमें एक वैलिड स्ट्रिंग लेता हूँ, तो मैंने करके रखी थी, तो आप एल में ऐसी स्ट्रिंग बनाओ, आपको ये भी स्ट्रिंग मिल जाएगी, तो इसमें इसको यूज करके हम अभी इसको स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले एस को एस यहां से स्प्लिट कर दिया, देन मुझे दो ए चाहिए यहाँ पे, राइट, तो एक ए तो आ गया, तो ए से मुझे और एक ए चाहिए, कैपिटल ए से, तो मैं फिर से ये डाल दूंगा एस बी ए, और एस को मैं डाल दूंगा डायरेक्टली ए, ये वाला यस टेंस टू ये हो सकता है ना, यस टेंस टू ये, तो दो ए हो गए मेरे, एक बी भी हो गया उसके बाद का,
ये भी हो गया। उसके बाद मुझे बी ए ए चाहिए, तो यहाँ से ए से मुझे बी ए, तो ए ए को हम डायरेक्ट बी ए डाल सकते हैं, ए को हमने बी ए डाल दिया, और एस को आप यहाँ पे ए डाल दो, तो ये बी ए भी आ गया और ए भी आ गया। तो हमने लेफ्ट टू राइट के हिसाब से उसको ये डायग्राम बना दिया। अभी राइट टू लेफ्ट के लेफ्ट में देखते हैं, यस में फिर से ए आएगा, ए ए यस, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कि यस में फिर से यहाँ पे ए आएगा, लास्ट में ए है, ए में मुझे चाहिए एस बी ए और इस ए में बी ए बी ए, तो ए ए बी 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 ए। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं एस में फिर से एस एस डालू ना, तो हम बी को नहीं यूज कर रहे, तो ये डबल ए फिर से हो जाएगा। तो ये तो सेम ही आ गया ना, सेम ही आ गया। मैं ट्राई करता हूँ और एक एस में मैं एस एस डाल के देखता हूँ, सॉरी एस में सबसे पहले ए ए एस और ए में डाल के देखता हूँ एस एस, एस एस में एस एस में आप यहाँ पे ए आ जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे भी ए आ, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो दो ए लेफ्ट साइड के हो गए। तो इस एस में नहीं, इस एस में हम फिर से ए ए एस डालना पड़ेगा, तो तीन ए आ जाएगा, तो ये नहीं होगा यहाँ से, राइट, यहाँ से ये डबल ए से तो ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मैंने ये ट्राई किया, आप भी ट्राई करो, ये नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मैंने ट्राई किया कि दूसरे सिंबल्स यूज करके हम दो ट्री डिफरेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है सो इट्स ओके कि बोथ ट्री आर लुकिंग सेम, सो द ग्रामर इज अनएम्बिगियस ग्रामर। डिफरेंट आए ही नहीं तो ये अनएम्बिगियस ग्रामर है, ओके। चलो आगे जाते हैं, आगे भी कुछ डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन मतलब उल्टा होता है, आपको उल्टा करना है कि जैसे कि अभी मैंने डेरिवेशन प्रोसेस कैसे की थी, स्टार्टिंग सिंबल टू हम स्ट्रिंग तक आए, अभी उल्टा करना है, स्ट्रिंग से लेके स्टार्टिंग सिंबल तक आना है, उसको रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक हैंडल और एक हैंडल प्रूनिंग, जो प्रोसेस को है ना हैंडल प्रूनिंग बोला जाता है, और जो पॉइंटर होता है जिस पॉइंटर से हम चीज को रिड्यूस करते जाएंगे तो उसको हैंडल बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा आपको और समझ में आएगा, ठीक है, रिडक्शन का। तो हम जाएंगे एक नई ड्राइंग बनाएंगे, हम वही ग्रामर लेंगे जो हमने अभी लिया था, e टेंस टू e प्लस e, e स्टार e, ओपनिंग e क्लोजिंग ID। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, और ID प्लस ID स्टार ID, आपको इसको रिडक्शन प्रोसेस में करना है। तो रिडक्शन प्रोसेस में यहाँ पे तीन कॉलम किए जाएंगे, एक में स्ट्रिंग लिखना है ID प्लस ID स्टार ID, नेक्स्ट में यहाँ पे लिखना है हैंडल कि आप क्या हैंडल कर रहे हो, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्शन रूल, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हैंडल प्रूनिंग। तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई लेफ्ट राइट ऐसा कुछ है नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें से मैं एक हैंडल लूंगा आईडी नाम का, आप पहला ले लो लास्ट का ले लो कोई भी नहीं, हम लेफ्ट टू राइट के हिसाब से देखते हैं कि मैंने ये आईडी नाम का यहाँ पे हैंडल लिया, और इस आईडी को मैं ई टेंस टू आईडी के साथ रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे किया मैंने ई, उसके बाद मैंने दूसरा हैंडल लिया आईडी, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे ई टेंस टू आईडी के साथ। आप अभी आईडी भी ले सकते हो, ई प्लस ई भी ले सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू आपको किस चीज से रिप्लेसमेंट करना है। तो मैं अभी ई प्लस ई को ई के साथ रिप्लेसमेंट करता हूं, तो ई प्लस ई को मैंने ई के साथ रिप्लेस कर दिया। अभी फिर से हम आईडी लेंगे,
इस आईडी को फिर से मैं रिप्लेस करूंगा ई टेंस टू आईडी के साथ, तो आईडी को ई से रिप्लेस हो गया। अभी ई स्टार ई, तो ई स्टार ई को हम ई के साथ रिप्लेस करेंगे, ई आ गया। तो अगर ई यहां पे आता है, सो दिस इज द स्टार्टिंग सिंबल, तो ये रिडक्शन प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हो गई। तो आपको वही करना है, स्ट्रिंग से लेके स्टार्टिंग सिंबल तक आना है, उल्टा आना है, तो इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो मैंने बेसिक ये इस वीडियो में मैंने सारे डेफिनेशंस कवर किए हैं, ओके। और भी कुछ डेफिनेशंस है जो एक एक मार्क्स के लिए आते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे ग्रामर के कुछ टाइप दिए हैं कि चॉमस के हायरार्की में ग्रामर के टाइप कितने होते हैं। तो पहला है टाइप जीरो ग्रामर, टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, चार टाइप के ग्रामर होते हैं। तो चारों टाइप के ग्रामर यहाँ पे समझ लो, ओके। इसके ऊपर एग्जाम्पल कभी आते नहीं, सिर्फ डेफिनेशन आती है पेपर को। सो टाइप वन का जो ग्रामर है ना, वो होता है एक सीएफजी, बाकी के ग्रामर कैसे होते हैं यहाँ पे समझ लो। कि टाइप जीरो का जो ग्रामर है उसको कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है, ओके। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ दैट काइंड ऑफ ग्रामर, सो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। मतलब ग्रामर VTPS में लिखा जाएगा, बट इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड टेंस टू राइट हैंड साइड, हमने अभी ग्रामर देखा ना बहुत जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड टेंस टू राइट हैंड साइड, बट लेफ्ट हैंड साइड भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकती है, राइट हैंड साइड भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकती है, दोनों साइड टर्मिनल नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप जीरो में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि VTPS में आप इस टाइप का एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक ग्रामर बनाया मैंने, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मतलब नल सिंबल मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि ए बी आप डाल सकते हो, वैसे एप्सिलॉन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे फोकस करो कि ये दो चीज़ें लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, तो लेफ्ट में भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होता है और राइट में भी होता है। तो इस टाइप का ग्रामर हम सीएफजी में यूज नहीं करने वाले, बट इसको बोलते हैं टाइप जीरो ग्रामर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कैसा भी लेफ्ट साइड में आएगा, कैसा भी राइट साइड में आएगा। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से ध्यान में रखो, और इस टाइप का एग्जांपल और पहले जो मैंने दिखाया वो सिर्फ पेपर में लिखना है, दैट्स इट फॉर वन और टू मार्क्स। टाइप वन का ग्रामर कैसे होता है, टाइप वन का ग्रामर जो होता है ना उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ओके। जैसे कि अल्फा टेंस टू बीटा, अगर मैंने ये कंसिडर किया तो अल्फा की जो लेंथ होती है वो हमेशा बीटा के लेंथ से, मतलब राइट हैंड साइड जो होगा ना उससे इक्वल होगी या फिर कम होगी, तो थोड़ा सा इसको रेस्ट्रिक्शन है, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन। तो अल्फा में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एक दो का, और बीटा का भी हो सकता है, बट लिमिटेशन ये है कि अल्फा की लेंथ कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए बीटा की लेंथ से। मतलब लेफ्ट टू राइट जो हम ग्रामर लिखेंगे उसमें एक तो दोनों इक्वल चाहिए या फिर बीटा बड़ा चाहिए लेंथ के हिसाब से। तो इस टाइप के ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर CSG और लैंग्वेज को CSL बोला जाता है। आई थिंक ये टाइप वन CFG नहीं आता, टाइप टू आता है, सॉरी, यस, टाइप वन CSG और CSL बोलते हैं। तो इसके ये भी हम ग्रामर यूज नहीं करने वाले। तो इसका एग्जांपल देखो, इसमें भी मैंने ऑलरेडी बताया आपको। हाँ, और एक चीज अगर आप देखोगे पीछे तो इसमें एप्सिलॉन भी नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा होगा कि एक्सेप्ट फॉर अ प्रोडक्शन रूल एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी नहीं आएगा इसमें, तो पहले टाइप जीरो में आ सकता था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर दो लेफ्ट में है तो ज्यादा से ज्यादा दो राइट में होंगे, ऐसा उल्टा नहीं होगा कि लेफ्ट में तीन है और राइट में दो है, ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा टाइप जीरो में हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के ग्रामर को टाइप वन ग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप टू ग्रामर, टाइप टू ग्रामर मतलब हमारा वाला ग्रामर जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं, कॉल्ड एज CFG, कि ए टेंस टू बीटा, मतलब लेफ्ट में जो टेंस करेगा ना वो एक ही वी मतलब नॉन टर्मिनल होगा, और बीटा जो होगा दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, इसका कॉम्बिनेशन होगा। मतलब जो हमने अभी ग्रामर देखे ना एग्जांपल में, वो सारे ग्रामर्स CFG के होते हैं, कि एक ही नॉन टर्मिनल डिराइव करेगा लेफ्ट साइड से,
और राइट साइड में कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, कुछ भी, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन या टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। सो उसको टाइप टू ग्रामर बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ए टेंस टू बी सी, बी टेंस टू ए बी, ए बी सी सी। तो यहाँ पे हमेशा एक ही नॉन टर्मिनल रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है टर्मिनल नॉन टर्मिनल का। तो ये टाइप के ग्रामर सीएफजी में आते हैं और इसकी लैंग्वेज सीएफएल में आती है। तो ये टाइप टू के ग्रामर हम इस चैप्टर में, एंटायर चैप्टर में देखने वाले, जीरो वन और थ्री के नहीं। वो सिर्फ आप डेफिनेशन के हिसाब से ही सिर्फ ध्यान में रखना। नेक्स्ट है टाइप थ्री ग्रामर। इसमें भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। जो मैंने रेस्ट्रिक्शन लिखा है कि लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी प्रोडक्शन रूल देयर इज ओनली वन नॉन टर्मिनल। ठीक है, ये तो टाइप टू में भी था कि लेफ्ट साइड में एक ही नॉन टर्मिनल चाहिए। ऑन द राइट हैंड साइड एवरी प्रोडक्शन रूल देयर इज एट मोस्ट वन नॉन टर्मिनल एंड विच इज अ राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट। कम से कम एक नॉन टर्मिनल चाहिए राइट साइड में। तो ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड रूल है। लेफ्ट में एक ही नॉन टर्मिनल रहेगा और राइट में एटमोस्ट एक नॉन टर्मिनल रहेगा। ओके, तो इस टाइप के ग्रामर का इसको रेगुलर ग्रामर बोलते हैं और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकता है। इट्स कॉल्ड एज अ रेगुलर ग्रामर। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं वीटीपीएस में। तो ये ए टेंस टू ए बी, ये नॉर्मल ग्रामर, सिंपल ग्रामर, जो राइट साइड में भी एटलीस्ट एक ये है। और अगर आपने लिखा है तो पूरा टर्मिनल चाहिए, अदरवाइज उसमें नॉन टर्मिनल भी चाहिए। सो ये टाइप थ्री का ग्रामर। सो ये जस्ट टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ये जो मैंने ग्रामर बताया उसे डेफिनेशन से ध्यान में रखो एग्जाम के लिए। टाइप टू का ग्रामर हम इस पूरे एंटायर चैप्टर में यूज करने वाले, विच इज कॉल्ड एज सीएफजी। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक नॉन टर्मिनल रहेगा नॉन, और राइट हैंड साइड में कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा इंक्लूडिंग टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एंड एप्सिलॉन। ओके, तो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग का कुछ डेफिनेशन और जो भी पार्ट है वो यहाँ इस चैप्टर में मैंने कवर किया। अभी हमें कन्वर्जेंस बाकी है। कन्वर्जेंस का मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज टू सीएफएल टू सीएफजी एंड सीएफजी टू सीएफएल। तो वो कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और उसके बाद का सेक्शन हम धीरे धीरे एक 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 वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल्स टू योर कॉलेज क्लासमेट्स। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू।